नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाते हैं बहुत इजी और टेस्टी नाश्ता, जो सिर्फ चार ब्रेड से बनाएंगे। ना ही इसमें कोई मैदा है, ना ही कोई इसमें बेसन है। तो हमने ये चार दो प्याज काट लिए थे लंबे लंबे, और मैंने मिर्च भी काट ली, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी। मैंने डाल दिया है इसमें लाल तीखी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर जीरे का पाउडर, हल्का जीरे का पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इन चारों प्रोडक्ट ब्रेड को हम पानी में अच्छे से भिगा लेंगे, और इसको अच्छे से दबाते हुए हम इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। जब इसका पानी निचुड़ जाएगा तो हम ये जो हमने प्याज काट के रखे थे, हम इसको अच्छे से इसमें मैश कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई हूँ, तो अभी मैं ऊपर से इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होता है और 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। जब बच्चों को टिफ़िन में लेके जाना होता है कुछ अलग, तो मैं अक्सर ये बना देती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी है, 2 मिनट में बनने वाला है ये। तो ये अपना लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, अच्छे से मैश कर दिए हैं। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं रिफाइंड ले रही हूँ। और सारी ही ब्रेड्स को ऐसे, मतलब ब्रेड रोल की तरह हाथ से शेप देते हुए मैंने ऑयल में डाल दिया था, और ये सारे घुमाते हुए हम इसको अच्छे से बना लेंगे। आप देख सकते हो कि कितने रेड निकल रहे हैं ये। यकीन मानिए फ्रेंड, ये जितने रेड और कुरकुरे दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैं अपनी बेटी के लंच में दे रही हूँ। थोड़ा सा सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो, सॉस हो या रेड चिली सॉस हो, आप उसके साथ सर्व कर सकते हो। तो वो ये बहुत मन से खाती है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे से नाश्ते जो बहुत इजी और टेस्टी होते हैं, वो मैं लाती रहूँगी, और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।